नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बस्ती में आज सांसद खेल महाकुंभ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे और साथ ही सभा को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही खेल महाकुंभ में सीएम योगी भी शामिल होंगे और बस्ती का दौरा करेंगे। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने लोगों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। आपको बता दें कि ब्लॉक स्तर पर ही आयोजित होने के बाद जिला स्तर पर सांसद खेल महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र और खिलाड़ियों को जोड़ने की योजना है। श्रावस्ती में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, इसको लेकर एनसीसी कैंडिडेट्स और स्काउट गाइड ने लोगों को जागरूक किया है और साथ ही चार पहिया वाहन मालिकों से गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाने की भी अपील की है। और इसके साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित पंपलेट का भी वितरण किया गया है। आपको बताते चले कि 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। श्रावस्ती में एसपी प्राची सिंह ने भारत नेपाल सीमा का जायजा लिया है और एसएसबी जवानों के साथ बॉर्डर से सटे भरथा, रोशनगढ़, राजपुर मोड़, अड़ताल, भगोड़ा, सुइया का पैदल गश्त किया है। आपको बता दें कि साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्कता बरतने के लिए भी निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही टीम बनाकर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। तो श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें इसको लेकर लगातार रोकथाम की कोशिश की जा रही है। एसपी प्राची सिंह ने भारत नेपाल सीमा का जायजा लिया है और इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर अब नजर रखी जा रही है। जालौन में छेड़खानी से तंग आकर नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली है। आरोप है कि दो लड़कों ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था और साथ ही नाबालिग लड़की द्वारा विरोध करने पर लड़कों ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी थी और जिसके बाद ही लड़की ने छेड़खानी के तंग आकर खुदकुशी कर ली है। और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के कोटरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर लड़की छेड़छाड़ से परेशान थी, जिसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। गाजीपुर के नंदगंज में एक अनोखी शादी में गम और खुशी दोनों के ही आंसू देखने को मिले हैं। बेटी के चंद दिनों बाकी शादी के दिन से पहले ही जब पिता की मौत हो गई तो घर वालों ने पिता का शव रोककर बेटी की शादी कराकर सुनहरी जिंदगी के लिए मृतक पिता से आशीर्वाद लिया। और नंदगंज निवासी मृतक पिता राजेश मोदनवाल की बेटी की आज घर वालों द्वारा उसके ससुराल बड़ेसर बाजार धान पान लेकर जाना था और 25 जनवरी को नंदगंज बारात आनी थी, लेकिन रात में ही वैष्णवी के पिता राजेश मेदनवाल की मौत हो गई। पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एक तरफ पिता का शव था तो दूसरी तरफ बेटी की शादी हुई। इच्छा थी उनकी शादी करने के लिए, उनको रोक करके सब से शादी हो गया, करवा दिया था। इनका शादी कहाँ हो रहा था? बड़ेसर। बड़ेसर हो रहा था। हरदोई के लोनार कोतवाली के चौकी इंचार्ज पर एक पूर्व प्रधान के इशारे पर एक दुकानदार को चौकी में बुलाकर पीटने और जबरदस्ती कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए जाने के मामले को लेकर मोदी राठौर युवा सेना ने अपर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एएसपी ने बताया है कि पूरे मामले की जांच सीओ हरपालपुर के द्वारा की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मोदी राठौर युवा सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन राठौर के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी को एसपी हरदोई के संबोधित एक शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया कि लोनार थाना क्षेत्र के निजामपुर
गांव निवासी राम प्रताप राठौर को 16 जनवरी के दोपहर 12 बजे के आसपास बावन चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र गुप्ता ने ही दो सिपाहियों को भेजकर दुकान से बुलवाया। आरोप है कि चौकी पहुंचने पर ही उसको गाली गलौच किया गया है और पीड़ित युवक का आरोप है कि पुलिस द्वारा वहां के पूर्व प्रधान नाजिम खान से फोन पर बात करने को कहा गया, जब उसने मना कर दिया तो फोन हैंड फ्री करके बात कराई गई। आरोप है कि नाजिम खान के आदेश के बाद चौकी इंचार्ज द्वारा राम प्रताप को काफी मारा पीटा गया और जबरदस्ती सादे कागज पर हस्ताक्षर भी कराए गए। चौकी पर 3 घंटे तक ही नाजिम खान के इशारे पर ही रोके रखा और इसके साथ ही धमकी भी दी गई। पीड़ित ने पूरे मामले में चौकी इंचार्ज के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। ये चौकी इंचार्ज बावन एक जिला बदर अपराधी है जो कि जिसकी पत्नी इस समय प्रधान है नाजिमपुर गांव की। उसके प्रार्थना पत्र पे एक ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिस पे जांच कर रहे थे, जिसमें इन लोगों को बुलाया गया था। इनका आरोप है कि इन्होंने हमें धमकाया है, पिटाई का आरोप निराधार है और ये आरोप है कि किसी के कहने पे धमकाया है। इस संबंध में इन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया है जिसकी जांच सीओ हरपालपुर द्वारा की जा रही है। जैसा होगा उचित कार्रवाई इस पर की जाए। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ही अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अलहागंज थाना क्षेत्र के गांव दिवरनिया के बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय के स्टोर रूम का ताला तोड़कर ही एसडीएम का राशन चुराने वाले 4 चोरों को चाकू, तमंचा, छोटा हाथी वाहन और एमडीएम का राशन बरामद कर पुलिस ने चोरी बदमाश पर्दाफाश कर दिया है। और इसके साथ ही जानकारी है कि इसी सप्ताह जारी शासनादेश के तहत बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय के स्टोर रूम में रखे 16 बोरी चावल और 9 बोरी गेहूं को चुराने वाले दिलीप गुप्ता, अभिनव सिंह, अमित सिंह, पंकज सिंह को गिरफ्तार करके उनसे एक चाकू और तमंचा बरामद किया गया है। लखीमपुर खीरी में पिछले 10 दिनों से रहस्यमय बुखार के चलते एक ही मोहल्ले में 6 बच्चों की मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया है और इलाके के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मामला लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कोतवाली के वार्ड नंबर 24 का है, जहां पिछले 10 दिनों में 6 बच्चों की रहस्यमय बुखार के चलते मौत हो गई और बच्चों की मौत से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इलाके के लोग लगातार स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही भरे रवैये अख्तियार करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को लगातार मोबाइल से और चिट्ठी पत्रों के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि मोहम्मदी कस्बे में रहस्यमय बुखार का आतंक है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना तो कोई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और ना ही कोई टीम इलाज के लिए भेजी जा रही है। वहीं इस मामले में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष गुप्ता ने कहा कि मौके पर जाकर साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, टीकाकरण भी किया जा रहा है और सैंपल लेकर जांच की जा रही है। गंदगी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। वहीं सीएमओ ने बताया है कि 5 की मौत हुई है लखीमपुर खीरी में रहस्यमय बुखार को लेकर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य विभाग की सारी सेवाएं लचर नजर आ रही हैं। लखीमपुर खीरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रहस्यमय बुखार के चलते बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लग रहा है। 1 हफ्ते में 6 बच्चों की मौत हो गई है। इसी के साथ जानकारी है कि गंदगी के कारण ये मौत बच्चों की हो रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि रहस्यमय बुखार के चलते 6 बच्चों की 1 हफ्ते में मौत बताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग पर भी लापरवाही के कड़े इल्जाम लग रहे हैं।
गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए इस गैंग के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके निशानदेही पर कई जगहों से चोरी किए गए 26 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इन दोनों के ऊपर बड़हलगंज थाने में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बड़हलगंज पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो झारखंड के रहने वाले हैं। ये दोनों शातिर चोर मजदूर या सब्जी विक्रेता बनकर क्षेत्र में घूमते थे और मौका मिलते ही चोरी और ठगी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। इन दोनों ने मऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज से कई मोबाइल फोन चोरी किए हैं। समय देखकर ये लोग मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की मासिक पंचायत आयोजित हुई है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष नरेश स्वामी ने बताया है कि किसानों की कई समस्याओं को लेकर मासिक पंचायत में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या गन्ने के भुगतान को लेकर भी रही है और जिसको लेकर जिला अधिकारी से मिलकर अवगत कराया जाएगा। किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मासिक पंचायत में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो सहारनपुर से आपको खबर बता रहे हैं। बता दें आपको कि मासिक पंचायत का आयोजन किया गया और इसके साथ ही इस पंचायत में कहा गया है कि किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों को लगातार इस पंचायत में जागरूक किया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने इसका आयोजन किया जिसमें काफ़ी किसान मौजूद रहे और इसके साथ ही किसानों को जागरूक भी किया गया। हरदोई जिले के माधवगंज थाना क्षेत्र में 3 माह की अबोध बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने अमानवीय कृत्य किया है और बच्ची के चीखने पर मां आ गई तो वो छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मां की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो हरदोई से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है 3 महीने की बच्ची से अमानवीय कृत्य किया गया है और बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह थाना माधवगंज का मामला है। एक महिला द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उसकी एक मासूम बेटी जो कि उसको गाँव का पड़ोस का ही एक युवक जिसकी उम्र लगभग 20 साल है उसके साथ खेल रहा था, उसको खिला रहा था और उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ उसने छेड़खानी की। इस पर जैसे उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। किन धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया? पुलिस ने इसमें रेप के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उन्नाव में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा किया है और साथ ही चोर के पास से लाखों के जेवर भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो उन्नाव से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया गया है और इसके साथ ही आरोपियों को जेल में भी भेज दिया गया है। इटावा झांसी इंटरसिटी रेलगाड़ी के कूपे में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। SP रेलवे आगरा मुश्ताक अहमद ने दुष्कर्म की वारदात की पुष्टि की है। घटना दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के इटावा जंक्शन स्टेशन की है। रेलवे के सफाई कर्मी राज कपूर यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने दुष्कर्मी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वही घटना से राजकीय रेलवे पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद इटावा रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट है और इसके साथ ही SP रेलवे ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। देखिए, आज सुबह में एक तहरीर प्राप्त हुई थी। एक महिला के द्वारा बताया गया था कि उसकी 14 साल की बच्ची के साथ जो है रेप की घटना जो है वो हुई है। इटावा रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन के अंदर जो है
जो खड़ी ट्रेन थी उसके अंदर उसके साथ जो है गलत काम जो है वो हुआ है। जैसे ही महिला के द्वारा बताया गया था तत्काल मुकदमा जो है वो सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था और पंजीकृत करके जो भी इसमें अभियुक्त था उसके लिए टीमें बनाई गई थी और उसके उसको अरेस्टिंग जो है वो आज शाम को 4:20 में मात्र 5 घंटे के अंदर जो है उस अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के ही भरा नाले पर नगर पालिका टुंडला द्वारा लाखों की कीमत से बनवाए गए सुलभ शौचालय पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। दरअसल जिलाधिकारी रवि रंजन के आदेशों के बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने टुंडला में दस्तक दी और प्रदूषण विभाग की तरफ से आए अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि किसी व्यक्ति ने NGT कोर्ट में नाले पर बने सुलभ शौचालय को लेकर वाद दायर किया था और जिसके चलते जिलाधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग को इस नाले को ध्वस्त कराए जाने के आदेश दिए थे। प्रदूषण विभाग नगर पालिका प्रशासन को साथ लेकर ही मौके पर पहुंचे और भारी नाले को लेकर इस पर लाखों की कीमत से बने सुलभ शौचालय के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाते हुए उसे ध्वस्त करा दिया गया। अशोक जी, जैसा कि देखा जा रहा है ये सुलभ शौचालय बना था नाले के ऊपर भर्रा नाले पे, इसको तोड़वाया जा रहा है, क्या मामला ये? कोई NGT में किसने शिकायत की थी जिस संबंध में हमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारे अस्थायी अधिकारी महोदय को निर्देशित किया गया था, जिसमें हमारे अधिकारी ने हमको निर्देशित किया था, उस संबंध में हमने इसको तोड़वाया गया। अच्छा, इसको बनवाने में लगभग कितनी लागत आई होगी? अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, जैसे ठेका उठता है तो इसके बनवाने में लगभग एक शौचालय बनवाने कितनी लागत आती है? कोर्ट NGT कोर्ट में एक वो किसी ने कंप्लेन की थी जिसमें NGT कोर्ट ने आदेश किए थे DM साहब और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस पर एक्शन लेने के लिए, तो वो एक्शन DM साहब के आदेश हुए कि इसको तोड़वाया जाए, हटवाया जाए, अतिक्रमण, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है इन लोगों ने, तो वो हटवाया गया था। तो इसीलिए और इसका जो पानी जो शौचालय का पानी था वो अनट्रीटेड वाटर नाले में डाल रहे थे, जिसके बाद सर ये आगे बहुत मैंने बहुत सारे पर्पसेस हैं, जैसे हमारा इरीगेशन है या हो सकता है ओवरफ्लो होने के बाद यमुना में भी जाए, इसलिए इसे तुलवा दिया गया। सर एक NGT में किसने शिकायत की थी जिस संबंध में हमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारे अस्थायी अधिकारी महोदय को निर्देशित किया गया था, जितना हमारे अधिकारी ने हमको निर्देशित किया था, उस संबंध में हमने इसको तुलवाया गया। अच्छा, इसको बनवाने में लगभग कितनी लागत आई होगी? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, जैसे ठेका उठता है तो इसके बनवाने में लगभग एक शौचालय बनवाने कितनी लागत आती है? मथुरा विधानसभा बलदेव में मथुरा DPRO किरण चौधरी में विकास की ऊर्जा दिखाई दे रही है। विधायक बलदेव पूरन प्रकाश ने DPRO किरण चौधरी के साथ महाबन बांगर और हयातपुर में RRC केंद्र का लोकार्पण किया है और बलदेव विकास खंड में ग्राम पंचायत महाबन बांगर में बने आदर्श ग्राम सचिवालय, RRC केंद्र और सामुदायिक वर्मी कंपोस्ट का विधायक पूरन प्रकाश, जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी, उप जिलाधिकारी महावन निकेत वर्मा और अपर की उपस्थिति में लोकार्पण किया गया। झांसी में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अपनी फरियाद लेकर आई एक महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, तो वहीं मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से ही महिला को रोका गया और कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। झांसी के उन्नाव गेट बाहर निवासी दीपिका साहू ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को कोचिंग जाते समय कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और जिसकी काफी खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज बेटी को गायब हुए 20 दिन हो गए हैं। बेटी की खोज की मांग को लेकर उसने हर अधिकारी की चौखट पर मिन्नत भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर आज उसने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मैंने खुद जाके पकड़वाया 112 नंबर बुला के, कोतवाल साहब नहीं आए थे वहां, फिर भी उसे 2 दिन बाद छोड़ दिया, उसे कोई पूछताछ नहीं हुई। अगर आप उसे बिठा के रखते तो लड़का सामने आता या नहीं आता, लेकिन कुछ करना ही नहीं चाहते पुलिस वाले। उनके वकील साहब को
ने खुद कहा है कि मैंने 30,000 रुपए दिए हैं, तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। पवन झा, उन्होंने खुद कबूल किया है कि मैंने पैसे दिए हैं, अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, फिर लो जहां जहां तुम्हें फिरना है, घूम लो। अरे उनकी लड़की, हमारी नातिन का पता नहीं है, 19 दिन हो गए। कोतवाली जाओ तो वो कुछ नहीं कहते, SP के जाओ वो भी कुछ नहीं कहते, चौकी इंचार्ज हैं कहते कि बाप को बैठा लिया, ना बैठा ला ना कुछ करा, कोतवाली साहब के सामने ले गए। तो उससे पूछा बाप से, क्यों तुम्हें बैठा ला, तो वो कह रहा नहीं हमें नहीं बैठा ला। आप हमारी लड़की 30 तारीख गायब है और पुनाव गेट पर रहती है, और जिधर नाम का एक लड़का लाए वो उनके इलाड पे सिंचाई विभाग मैं वो ले गया। आप लोगों ने तेल डाल दिया मैडम ने, उनने ले आकर उनने उधर बढ़ा दिया मेला थाने में। हाँ लगाया 30 तारीख का लगा, 30 तारीख कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोतवाल साहब छोड़ देते हैं। तहसील टहरौली के ग्राम में गड़ीकर गांव में विवाहिता ज्योति अहिर परिवार पत्नी राहुल के मकान की मुकुंदी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि उसका पति टहरौली किसी काम से आया हुआ था। बताया जा रहा है कि उसकी सास भी घर पर रही थी और घर पर वो और उसकी 3 बच्ची थी। हालांकि आखिर महिला ने किस कारण आत्महत्या की है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी टहरौली अरुण कुमार चौरसिया ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।